So hey, Quantifiers, boys and supporters, welcome. I'm Nishuli, and again I'm back with Nip, and we need to be here, okay? So I know, आप मुझे नहीं इस चीज को देख रहे हो लाइक इतने सारे मेडल्स बिकॉज ऑब्वियस है इतने सारे मेडल्स देख के कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है ओके सो लाइक ये मेडल्स किसके हैं एंड ये सारे अचीवमेंट्स किसके सो लेट मी वेलकम मिस्टर इन्हीं के बारे में था ओके सो वो सिनेमेटिक शॉट देख के आई डोंट थिंक सो मुझे आपको बताना चाहिए कि ये कौन है एंड इन्होंने क्या अचीवमेंट किया ठीक है तो अभी हम आगे चलते हैं एंड इनसे इनकी जर्नी के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि इनकी जर्नी कैसी हुई एंड इतनी बड़ी अचीवमेंट के पीछे क्या राज है ठीक है सो चलते हैं अभी सीधा डिस्कस करते हैं प्रभात कोहली से सो हे पीपल जैसे कि मैंने इनका इंट्रोडक्शन तो आपको दे दिया राइट आई डोंट थिंक सो कि आपने इनके सारे ट्रॉफीज मेडल्स जो भी आप देख लें आई डोंट थिंक सो आपको इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत भी है ठीक है सो अभी हम लोग प्रभात कोहली से बात करने वाले उनकी जर्नी के बारे में ठीक है वो कैसी हुई थी जर्नी एंड वो आपको बताएंगे बट बिफोर दैट मैं एक बड़ा बहुत बड़ा शाउट आउट देना चाहूँगा नवीन कोहली को बिकॉज आज उनकी वजह से ही हमें इनसे मिलने को मिल रहा है ओके बिकॉज आई डोंट थिंक सो ये पॉसिबल होता है कि सबको लाइक इनसे मिलने को मिलेगा बट इट्स काइंड ऑफ बिग थिंग टू अस ठीक है तो अभी स्टार्ट करते हैं तो प्रभात कोहली मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि लाइक आप हमें आपकी जर्नी के बारे में बताइए लाइक आपको ये अलग ओपन वाटर स्विमिंग का स्पोर्ट है ये करने का इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला एंड ये जर्नी आपकी स्टार्ट कैसे हुई वो लाइक हमें ज़रा डिटेल में बता दीजिए मैंने पहले जब स्विमिंग चालू की थी तो ये सब करने के लिए मैंने स्विमिंग बिल्कुल चालू नहीं किया था मतलब मुझे सिर्फ स्विमिंग सीखना था इसके लिए मैंने चालू किया था वो समर वेकेशन में 15 डेज का कोर्स होता है सो वो मुझे करना था बस सो वो करते करते जो मेरे कोच थे किशोर पाटिल सर उन्होंने मुझे सपोर्ट बोला कि हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल में भी जा सकते हैं सो और तभी मैंने माउंटेड से भी बात कर ली थी फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट तभी बोला कि ठीक है तेरे को जो मतलब शायद कर सकता सो तभी से हम लोग ने जो चालू किया लाइक उस तभी से उन्होंने मुझे सपोर्ट करना कभी बंद नहीं किया इवन मेरे कोच ने भी और वो तभी से मैं फिर कॉम्पिटिटिव लेवल में आया लाइक स्टेट लेवल तक मैंने कॉम्पिटिटिव लेवल पे किया उसके बाद सोचा कि मैं कोहली हूँ और हम लोग कोहली लोग का एक रिलेशन है सी से समुंदर से ओपन वाटर से सो वो जो रिलेशन है मुझे बस अलग तरीके से मुझे क्या बोल सकते रिप्रेजेंट करना था सो इसके लिए मैंने ओपन वाटर स्विमिंग में पार्ट लिया और फिर बाद में उसमें रिसर्च किया कि देख अपने मुंबई में या फिर इंडिया में कितने इवेंट्स हो सकते हैं सो जैसे कि मैंने कहा कि ओपन वाटर में रिवर लेक के लेक्स और समुंदर सब आते हैं सो मैंने मेरा जो फर्स्ट इवेंट था वो हुगली में था 14 किलोमीटर का होता है अहिरी डोला में सो मैंने वो फर्स्ट एक इवेंट किया था तभी मैं कुछ 11 साल का था सो मेरा फर्स्ट इवेंट था बहुत बहुत अच्छा लगा था मेरे फर्स्ट इवेंट में बहुत अलग लगा था एक्चुअली क्योंकि वो एक ओपन लेवल ओपन कैटेगरी का कंपटीशन था और बड़े भी बड़े थे मुझसे नॉर्मली सब इट मींस लाइक 11 साल से आपका ये करियर स्टार्ट हो गया था सो उसके बाद मैंने फिर अपने मुंबई में एक ट्रेडिशनल इवेंट है धर्मतर टू गेटवे सो मैंने उसको टारगेट किया वो कंप्लीट किया मैंने एट द एज ऑफ 12 फिर उसके बाद ट्राई किया कि इधर और कुछ हम लोग कर सकते हैं क्या मुंबई में सो हम लोग ने 4 न्यू इवेंट ढूंढ निकाले इन मुंबई इन एंड अराउंड मुंबई मेनली फ्रॉम उरन टू खंदेरी आइलैंड खंदेरी आइलैंड एक बहुत डेंजरस एरिया माना जाता है बिकॉज उधर बहुत से कैजुअलिटीज हो चुके हैं पहले इन पास्ट सो एक थोड़ा वो एक पार्ट जो है
बहुत बहुत डिफिकल्ट है. लोग बोलते हैं कि लाइक पूरा जो अपना कोस्ट लाइन है, हाँ, इंडियन कोस्ट लाइन है, हाँ, वो इजीली शायद पार भी हो जाए, बट इधर आके कुछ भी हो सकता कुछ भी हो सकता है. सो वो एक डिफिकल्ट पार्ट था, बट फिर भी मैंने मतलब ट्राई किया. मेरे साथ जो क्या बोल सकते हैं लोकल्स थे, मेरे जो रिलेटिव्स थे, उन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया. मेरे कोच और मेरे जो पेरेंट्स थे, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से सपोर्ट भी किया, तभी तभी मैं कर पाया. उनके ब्लेसिंग्स के सिवा मैं कुछ नहीं कर पाता. सो उसके बाद मैंने सोचा कि अभी इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे. इंग्लिश चैनल नाम सब लोगों ने सुना ही है. सो इंग्लिश चैनल का मैंने टारगेट रखा. अभी जब आप इंटरनेशनल, आपका मीन्स कौन से एज से स्टार्ट हुआ? फ्रॉम द एज ऑफ 15. आप देख सकते हो कि एज ऑफ 15 से इन्होंने इंटरनेशनल भी स्टार्ट कर दिया था. तो देखते हैं अभी आगे सुनते हैं इनकी जर्नी क्या है. ठीक है. सो एज ऑफ 15 से मैंने मतलब लाइक इंग्लिश चैनल का जो ट्रेनिंग है मैंने चालू करा था, क्योंकि 16 से अलाउड एक्चुअली इंग्लिश चैनल करना. ओके. एज लिमिट था. सो अभी हम लोग रहते हैं मुंबई में. हाँ. इधर आपको पता है गर्मी कितनी होती है. सो और हम लोग अगर इंग्लिश चैनल करने जाएंगे डायरेक्टली, अगर इंग्लिश चैनल में के पानी में जाएंगे तो हम लोग लाइक अगले दिन ही बीमार पड़ जाएंगे. सो हम लोग ने थोड़ा रिसर्च किया कि हम लोग क्या कर सकते हैं. तो एक ऑप्शन ऐसा था कि मैं जर्सी चला जाऊँ. जर्सी एक छोटा आइलैंड है यूके में. वहाँ पे वो लाइक इंग्लिश चैनल के थोड़ा सा ही नीचे है. सो इंग्लिश चैनल में अगर वाटर टेम्परेचर 14-15 डिग्रीज है तो उधर अराउंड 17-18 के आसपास हो जाता है. सो हम लोग ने सोचा कि हम लोग जर्सी जाएंगे, उधर ट्रेनिंग करेंगे. फिर उधर एक इवेंट होता है अराउंड जर्सी करके 66 किलोमीटर्स का, वो कंप्लीट करके फिर इंग्लिश चैनल चले जाएंगे. एंड ये प्लान करने के लिए मतलब लाइक वी आर सक्सेसफुल. हम लोग ने ट्रेनिंग वेनिंग की, उधर जाके इवेंट भी कर दिया वो 66 किलोमीटर्स का. और फिर उसके बाद हम लोग जब इंग्लिश चैनल के लिए आए, सो आई वाज ऑल राइट. एंड लाइक मैंने इंग्लिश चैनल के लिए ट्रेनिंग, लाइक उधर स्विमर्स बीच करके है, उधर भी मैंने अच्छे से ट्रेनिंग की. उसके बाद फिर जब इंग्लिश चैनल करने की बारी आई, एक बहुत बड़ा टास्क होता है. तो फिर मतलब इंग्लिश चैनल के लिए आप एज ऑफ 15 में गए या 16 होने के बाद? सिक्सटीन हो गया था, बिकॉज मैं गया था अराउंड जून आई थिंक सो, और मेरा बर्थडे था जुलाई में. एंड अब सितंबर में मेरा कुछ इवेंट था. सो उतना टाइम मैं बाहर ही था, तब तक मैं इवेंट करता था और उधर ट्रेनिंग करता था. सो मैंने इंग्लिश चैनल जब चालू किया, मेरे साथ मेरे मॉम डैड थे मेरे बोर्ड पे, और सैली मिंटी ग्रेविट करके एक यूके की रेसिडेंट है, शी इज़ एन एमबीई. मतलब हम लोग इधर जैसे अर्जुना अवार्ड ही होते हैं, वैसे उनका एक जो स्टे अवार्ड है वो उनको एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ के हाथों देते हैं. सो एमबीई इज़ लाइक मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. सो एंड शी इज़ लाइक अराउंड 60-61 ईयर्स ऑफ एज. एंड रिसेंटली 59 ईयर्स में उन्होंने टू वे इंग्लिश चैनल किया. टू वे इंग्लिश चैनल इज़ लाइक स्विमिंग फॉर 36 आवर्स कंटिन्यूसली. सो एंड शी इज़ अ लेजेंड, बिकॉज उन्होंने इंग्लिश चैनल 7 बार कंप्लीट किया है. cool. और मतलब मैं एक बार करने में मुझे मतलब हो चुका था मेरा. मींस आपने भी इंग्लिश चैनल एक बार कंप्लीट कर लिया? कर लिया मैंने. okay. एक बार इंग्लिश चैनल. गाइस आप देख सकते हैं इट्स काइंड ऑफ बिग अचीवमेंट. ओके सो आगे सुनते हैं और क्या है. सो उसके बाद मैं गया था साउथ अफ्रीका में. साउथ अफ्रीका वॉज लाइक वाइल्ड देन इंग्लिश चैनल. मतलब ठंडा भी था बट उधर जो मरीन लाइफ थी वो बहुत अलग थी इंग्लिश चैनल से. बहुत अलग थी इंग्लिश चैनल में. एक बेसिकली जेलीफिश बहुत है. और वो जो एक जेलीफिश थे वो बहुत खतरनाक थे. मतलब अगर मुझे कुछ, मैं वापस नहीं जाना चाहूँगा वहाँ पे जेलीफिश की वजह से अगर नहीं जाना चाहूँगा. तो साउथ अफ्रीका में मैं गया तो बहुत बहुत वाइल्ड है वो. लाइक सील है, डॉल्फिन्स है, शार्क्स है, वेल्स है, ऐसे बहुत. इवन मेरे साथ एक इवेंट पे एक सील भी मेरे साथ स्विमिंग कर रहा था. लाइक पहले अच्छा लगा, फिर बाद में सोचा अरे बाप रे अगर सील है तो सील एक शार्क का खाना है. खाना है राइट. सो अगर सील है मेरे साथ तो शार्क कभी भी आ सकता है. सो ये तो डर था. सो ऐसे वो मतलब बहुत वाइल्ड है. वहाँ पर भी मतलब मेरे कुछ 4 रिकॉर्ड्स है उधर मैंने बनाए. तो इट्स लाइक अचीवमेंट्स की लाइन लग चुकी है गाइस. ओके एंड और अचीवमेंट्स हम पूछने को बैठे तो वीडियो लाइक चला जाएगा. लाइक एक घंटे का तो वीडियो ऐसे ही हो जाएगा. ठीक है तो हम लोग सीधा पॉइंट पे आते हैं. लाइक अभी रिसेंटली आपको टेंजिंग नॉर्वे अवार्ड से नवाजा गया है. ओके हमारे जो राष्ट्रपति उन्होंने. तो लाइक वो कैसे मीन्स हाउ
टेंजिंग नॉर्गे हम सबको पता है एक शेरपा थे जब फर्स्ट टाइम एडमंड हिलरी फ्रॉम जब वो माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए गए थे तो उनके साथ जो शेरपा थे वो थे तेंजिंग नॉर्गे. सो ही बेसिकली अगर देखा जाए तो ही वॉज द फर्स्ट वन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट विथ हिम बिकॉज ही हैड द ऑल द लगेज ऑफ एडमंड हिलरी एंड स्टिल ही वॉज द फर्स्ट एंड फास्ट टू कम्प्लीट दैट. सो उनके नाम से ये अवार्ड दिया जाता है. अर्लियर इट वॉज तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड वॉज गिवन एज अर्जुन अवार्ड ओनली बट अभी एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए ये लोग तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड देते हैं. सो मुझे 2018 का तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड दिया गया था इन वाटर कैटेगरी. सो भी तीन कैटेगरी होते हैं लाइक एयर वाटर एंड लैंड. सो मुझे वाटर कैटेगरी में तेंजिंग नॉर्गे नेशनल अवार्ड मिला. इट्स इक्विवेलेंट टू अर्जुन अवार्ड बट जस्ट नाम अलग. ठीक है. सो आप देख सकते हैं लाइक हम आपको अवार्ड भी दिखाएंगे लेकिन अभी और हमें ये डिस्कस करना है कि आपने अभी हमें इतनी सारी आपकी जर्नी बताई बट आई नो ये सब कुछ करना इतना इजी नहीं होता तो लाइक आपको क्या ऑब्स्टेकल्स आए ये सब अचीव करने में. ऑब्स्टेकल मेन हम लोग का था फाइनेंशियल ऑब्स्टेकल बिकॉज ईच इवेंट के पीछे हम लोग के अराउंड 7 to 8 lakhs सब मिला के हो ही जाते हैं बिकॉज जो बुकिंग फीस होती है रजिस्ट्रेशन बुकिंग फीस वो रजिस्ट्रेशन और बुकिंग फीस को मिला के ही 3 lakhs हो जाता है. फिर आना जाना ट्रैवलिंग एयर टिकट्स फिर उधर का रहना अगर किसी ठंडे एरिया में जा रहे हैं तो हम लोग पहले जाकर रहते हैं लाइक एक हद महीना क्योंकि एक्लोमेटाइज होना पड़ता है उनके प्रैक्टिस करना पड़ता है. हाँ बट अभी हम लोग ने एक नया क्या बोल सकते हम लोग ने कॉन्सेप्ट निकाला है कि हम लोग अभी उधर नहीं जाते रहने के लिए हम लोग अपने इंडिया के नॉर्दर्न एरिया को हम लोग ने एक्सप्लोर किया नैनीताल. सो हम लोग नैनीताल जाते हैं उधर थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं ठंडे पानी में और नैनीताल आपको पता ही है हाइट पे तो उधर लो ऑक्सीजन है और कभी भी अगर हम लोग लो ऑक्सीजन में ट्रेन करते हैं तो सी लेवल पे हम लोग को थोड़ा बेनिफिट बेनिफिट होता है राइट. सो हम लोग ने उधर अभी गए कुछ 2-3 इवेंट के लिए हम लोग ने उधर ही ट्रेन किया और फिर हम लोग इधर इवेंट के लिए जाते थे. सो एक वो प्लस पॉइंट था हम लोग के पास. फिर वो और हम लोग इधर कैसे है मुंबई में ओपन वाटर के लिए हम लोग को कोई चांस ही नहीं बिकॉज द सी इज नॉट दैट गुड पूरा पोल्यूटेड है तो हम लोग को स्विमिंग पूल में ही करना पड़ता है. सो स्विमिंग पूल भी मुंबई में नॉट मोर देन 45 minutes 1 hour अवेलेबल करके देता बट एक स्विमिंग पूल हमें मिला है लाइक रामशेट्टा को स्विमिंग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन उलवे. उन्होंने मुझे लाइक बोला कि जब मैं कुछ भी नहीं था व्हेन व्हाट आई सेड नाउ वाज जस्ट अ प्लान तभी उन्होंने कहा कि तेरे को चाहिए जितना स्विमिंग पूल यूज कर कभी भी चाहिए यूज कर नो डाउट. सो गाइस बिग शाउट आउट टू रामशेट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऐसा हर कोई अलाउड नहीं करता बट लाइक उनके वजह से लाइक हमारा जो बंदा है आज इंडिया का नाम लाइक इतने इंटरनेशनल लेवल पे जाके रोशन कर रहा है. ठीक है. तो अभी आपके ऑब्स्टेकल्स तो हो गए अभी मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि लाइक आपने इतने सारे अचीवमेंट्स कर लिए तो आपके भी फर्दर फ्यूचर प्लान्स क्या है. माझा मेन चैलेंज है ओशन 7 चैलेंज रिकॉग्नाइज्ड बाय बाउसा वर्ल्ड ओपन वाटर स्विमिंग एसोसिएशन. सो 7 ओशन्स है लाइक इंग्लिश चैनल है कैटलिना है मोलोका चैनल है सुगारू है इन जापान आयरलैंड इन नॉर्थ आयरिश चैनल आयरलैंड एंड शुगर जिब्राल्टर इन स्पेन. सो ये सब इवेंट कर चुके हैं. अभी 7th ओशन मेरा जो है दैट्स इन न्यूजीलैंड कुक स्ट्रेट. सो अगर वो मैं कंप्लीट कर दूंगा अभी इन अपकमिंग बिफोर मार्च सो आई विल बी द यंगेस्ट वन इन द वर्ल्ड टू कंप्लीट द ओशन 7. ओके सो वो भी एक बहुत बड़ा पॉइंट होगा. तो जब वो 7 सी भी कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग और एक मीटअप करने के लिए ज़रूर इनसे आ जाएंगे बिकॉज तभी हमारा एक पूरा लाइक 7 सीज का इनका रिकॉर्ड भी कंप्लीट हो जाएगा एंड ही विल बी द यंगेस्ट. एंड आपको ये हमने जितने भी इनके अचीवमेंट्स बताए ये अचीवमेंट्स इन्होंने बिफोर एज 20 कर लिए तो अभी इनका 20 रनिंग चल रहा है एंड इन्होंने जो हमारे 6 सीज होता है वो कर लिए एंड तेंजिंग नॉर्वे अवार्ड भी पा लिया है राइट. सो अभी सिर्फ इनका 7 बाकी है एंड बिफोर 21 मीन्स एज ऑफ 20 ये 7 सीज का रिकॉर्ड भी कंप्लीट कर लेंगे. सो इट्स अ डोप थिंग गाइज मीन्स हमारे हम सारे इंडियंस के लिए प्राउड मोमेंट है. ठीक है.
तो लाइक अभी हमने इनके आपको अचीवमेंट्स दिखा दिए, मेडल्स दिखा दिए, लाइक इन्होंने इनके जो भी अचीवमेंट्स थे, जो भी ऑब्स्टेकल्स थे, जो फ्यूचर प्लान्स थे, वो सारे आपको बता दिए, राइट। बट क्या है ना, लाइक अभी हमने इनके वीडियोस वगैरह सब कुछ देख लिए, बट स्पेशली हम हमारे चैनल पे दैट वन स्पॉट बर्नर्स पे, लाइक हाउ ही परफॉर्म्स इन वाटर लाइक फ्लैश, वो भी हम आपको दिखाने वाले। तो पास में यहाँ पे खाड़ी है, वहाँ पे जाके हम लोग एक वीडियो शूट करने वाले, तो उसमें आपको डायरेक्टली हम लोग लाइव शूट करके दिखा देंगे हाउ ही स्विम्स। ओके सो पहले अभी चलते हैं सीधा उधर, सो लेट्स गो। सो ये पीपल, जैसे कि हमने प्रभात कोली से बात करके ले ली उसके जर्नी के बारे में, उसके ऑब्स्टेकल्स के बारे में, ओके एंड उसके फर्दर प्लान्स के बारे में, बट इस पूरी जर्नी में जिन्होंने उनका साथ निभाया वो लोग मेरे साथ अभी खड़े हैं। लाइक ये उनके कोच है, आपका नाम विवेक जाधव, ओके एंड इनके ये दो भाई है, आपका नाम सर नीलेश कोली, ओके एंड आपका नाम, ओके। सो ये सब लोग हैं जिन्होंने इन्हें सपोर्ट किया है लाइक इनकी पूरी जर्नी में, तो हम इनसे अभी पूछते हैं हाउ दे आर फीलिंग, कि उन्हें अभी कैसे लग रहा है लाइक प्रभात इतने बड़े लेवल पे आ चुका है, ठीक है। सो लाइक आपको अभी कैसे लग रहा है क्योंकि प्रभात ने इतनी बड़ी अचीवमेंट कर ली है? जैसे आपने अभिमान लग रहा है, ओके okay. इतना बड़ा ये टेंजिंग नॉर्गे अवार्ड जीत के अवार्ड जीत के आए, जैसे कि आपने कोली समाज का बॉम्बे कोली का नाम बड़ा किया, ओके राइट, और जैसे अभिमान है मेरे भाई ने बड़ा किया, हाँ वो भी बहुत अच्छी बात है। एंड सर आपको क्या लग रहा है? मुझे तो एक्सपेक्टेशन था कि उससे वो होगा, हाँ, बट थोड़ी कमियां भी है जो मतलब उसको फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी, हाँ वो मिली नहीं, okay. वो मिलती थी पहले तो बहुत इससे भी बहुत बड़ा होता था, ओके okay. तभी भी इन्होंने भी प्रभात ने भी फाइट किया, और उसके साथ साथ मैं उसके माता पिता को भी okay. उतना ही श्रेय दे दूंगा क्योंकि उसके साथ वो उतने ही सपोर्ट से खड़े रहे, okay. जो जो प्रॉब्लम आई वो उन्होंने एकदम बारीकी से फेस किया, ओके okay. और उसने मतलब उसके माता पिता ने फाइनेंशियल सपोर्ट किया, तो प्रभात ने अपना प्रैक्टिस का एक भी मिनट वेस्ट न करके उस पर पूरा फोकस करते रहे। वो अवार्ड का श्रेय मेरे ख्याल से वो तीनों को है, ओके सो गुड। सो लाइक आप देख सकते हैं लाइक कितने स्ट्रगल से वो ऊपर आए, सो मैं चाहूँगा कि लाइक पहले जो सपोर्ट नहीं मिला वो सपोर्ट हम अभी इसको करें, एंड आप हो सके तो इस वीडियो को शेयर करो सो दैट उसको भी सपोर्ट मिले एंड लोगों को पता चले कि हाँ हमारे इंडिया में से एक लड़का है ओके प्रभात कोहली करके, जिसने लाइक ओपन वाटर स्विमिंग में अपने इंडिया का नाम रोशन किया है। सो हे पीपल, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि वी गोना शो यू दैट हाउ प्रभात स्विम्स लाइक फ्लैश, ओके सो अभी हम लोग डायरेक्टली समुंदर में आ चुके हैं, तो एक बार आपको दिखा देता हूँ। सुप्रभात, आर यू रेडी? ओके सो चलते हैं, अभी देखते हैं प्रभास के स्विमिंग स्किल्स, सो लेट्स गो। ग्लैड एंड जब आपका 7 सीज का जो रिकॉर्ड होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, वो तभी हम फिर से एक बार आपसे मिलने के ज़रूर आएंगे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट गाइज, मैंने ये वीडियो क्यों बनाया, बिकॉज मैं एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहता हूँ, बिकॉज हमारी कम्युनिटी में से एक इंडियन बंदा बाहर जाके इतने सारे अचीवमेंट्स कर रहा है, आफ्टर दैट एक टेंजिंग नॉर्वे अवार्ड जो कि बहुत बड़ा अवार्ड है उससे नवाजा जा रहा है, एंड लाइक इसकी किसी को अवेयरनेस है नहीं, राइट। सो मैं चाहता हूँ इसकी अवेयरनेस सबको, ओके सो मैं चाहूँगा ये वीडियो आप हो सके उतना शेयर करें एंड लाइक सबको बता दे कि हाँ लाइक हमारे इंडियंस भी है जो ओपन वाटर स्पोर्ट ये जो है इसमें बहुत बड़ा नाम हमारे इंडिया का ट्राइकलर जो है वो बाहर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो देख के आपको भी समझ में आ रहा होगा मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके सो आप जितना हो सके उतने वीडियो को शेयर करें, ओके एंड मैं चाहूँगा कि आप लोग भी प्रभात को सपोर्ट करें फॉर हिज फ्यूचर प्लान्स। Okay. If you love the content, then like our videos. If you like the videos, then don't forget to subscribe to our channel. Okay, and press that bell icon below, guys. So be kind.